नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो से आज मैं लिटरेचर स्टार्ट करने वाला हूँ इंग्लिश का। और लिटरेचर में मैं फिक्शन का, प्राइड एंड प्रेजुडाइस का जो लेसन है उसके ओनली ऑब्जेक्ट टाइप करा रहा हूँ। मतलब प्राइड एंड प्रेजुडाइस से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप हैं जो पेपर में आने की संभावना है वो सारे ऑब्जेक्ट टाइप करा रहा हूँ और वो ऑब्जेक्ट टाइप ही डालूँगा। तो लेसन अगर किसी को समझना है तो उसके बारे में मुझे कमेंट में कर दे कि सर लेसन भी समझा दो, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, तो मैं लेसन भी समझा दूंगा। नहीं तो मैं ऑब्जेक्ट टाइप डालते जा रहा हूँ लिटरेचर के, आप ऑब्जेक्ट टाइप करते जाइए। आइए तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, तो ये प्राइड एंड प्रेजुडाइस का के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए है। पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज ऑस्टिन बॉर्न, तो इसका पहले का आंसर है 16 दिसंबर 1775। ऑस्टिन का जन्म कब हुआ था? 16 दिसंबर 1775। जेन ऑस्टिन वाज द ऑफ एट चिल्ड्रन में जेन ऑस्टिन का कितना नंबर था? जेन ऑस्टिन कितने नंबर की थी? 7 नंबर की। ये जेन ऑस्टिन का क्वेश्चन इसलिए है कि प्राइड एंड प्रेजुडाइस जो फिक्शन है वो किसने लिखा है? जेन ऑस्टिन ने लिखा है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है पेरेंट्स ऑफ जेन ऑस्टिन वर, जेन ऑस्टिन के पेरेंट्स कौन थे? तो ये थे जॉर्ज एंड कैसेंड्रा ऑस्टिन। जॉर्ज और कैसेंड्रा ऑस्टिन जेन ऑस्टिन के पेरेंट्स थे। अगला है द फैमिली ऑफ जेन ऑस्टिन लिव्ड इन, जेन ऑस्टिन की फैमिली कहाँ रहती थी? तो चौथे का आंसर है स्टेवेंटन। स्टेवेंटन में जेन ऑस्टिन की फैमिली रहती थी, ठीक है। फोर्थ का ए। अगला है फिफ्थ नंबर का, बार्ट प्रोबेबली मेड ऑस्टिन्स राइटिंग पॉसिबली बाय द फ्री इन हर टाइम टू वर्क ऑन हर बुक्स। तो फिफ्थ का है लैक ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, उनको अनुभव की कमी थी। लैक ऑफ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, पति पत्नी, स्पाउस मिस होता है पति पत्नी, एंड चिल्ड्रन बच्चों की कमी थी। इसका आंसर आएंगे बोथ, सी नंबर का बोथ। कौन कौन सा? ए और बी दोनों। अगला है छठवें नंबर का, ऑस्टिन नेवर अचीव्ड पर्सनल रिकॉग्निशन फॉर हर वर्क आउटसाइड हर स्पेयर ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स भाई। ऑस्टिन नेवर अचीव्ड पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब ऑस्टिन ने पर्सनल पहचान कभी भी हासिल नहीं की फॉर हर वर्क, अपने कामों के लिए जो उन्होंने काम राइट किए हैं उनके लिए कभी भी पर्सनल पहचान नहीं मिली उन्हें। फॉर अ फैमिली एंड फ्रेंड्स भाई, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है सिक्स नंबर का, बिकॉज, क्योंकि हर बुक्स वर पब्लिश्ड एनोनीमसली। एनोनीमसली होता है मर्डर उपरांत, यानी उनके जो बुक थी और जो वर्क थे वो पब्लिश हुए थे कब? उनके मरने के बाद, इसलिए उनको जीते जी पहचान नहीं मिल पाई। अगला है आउट ऑफ हर 7 siblings हु वाज क्लोजेस्ट टू ऑस्टिन, ऑस्टिन की 7 भाई बहनों में हु वाज द क्लोजेस्ट टू ऑस्टिन, ऑस्टिन के सबसे समीप सबसे करीब कौन था? तो इसका आंसर है कैसेंड्रा। कैसेंड्रा उनकी बहन थी जो उनके सबसे करीब थी। व्हेन डिड ऑस्टिन मीट टॉम, ऑस्टिन टॉम से कब मिली थी? इसका आंसर है जब वह 20 साल की थी, व्हेन शी वाज 20। अगला है 9 नंबर का, हु वाज टॉम लेफ्रॉय, टॉम लेफ्रॉय कौन था? टॉम लेफ्रॉय एक आयरिश था, कौन था? एन आयरिश। अगला है भाई लेफ्रॉय फैमिली सेंट हिम होम, लेफ्रॉय की फैमिली ने उसे घर क्यों भेज दिया था? तो इसका आंसर है क्योंकि ऑस्टिन और टॉम एक दूसरे से इंगेज थे, बेस्ट थे एक दूसरे में मतलब। और अगला है बिकॉज ऑस्टिन वाज ए, इंगेज का है, और अगला है बिकॉज ऑस्टिन वाज ए क्लर्जीमैन्स डॉटर, ठीक है, क्योंकि जॉन ऑस्टिन थी वो एक पादरी की पुत्री थी। तो ये दोनों रीजन हैं कि जिस वजह से उसकी फैमिली ने उसको लेफ्रॉय को घर भेज दिया था। तो इसका आंसर आएगा क्या? इसका आंसर आएगा सी, ए और बी दोनों।
ठीक है, 11वां है वेयर डिड ऑस्टेंस सेकेंड ब्रश विथ मैरिज ऑकर, तो इसका आंसर है ए एट 27 साल की उम्र में। वेयर डिड ऑस्टेन लिव्ड हर लास्ट 8 ईयर ऑफ हर लाइफ, अपनी जिंदगी के लास्ट 8 साल ऑस्टेन कहाँ रही, तो इसका है आंसर चौटन। ठीक है, अगला है 13वें नंबर का भाट स्टॉप्ड हर फ्रॉम हर वर्क ऑन द नोबल सेंडिसन, तो इसका आंसर है 13वें नंबर का एडिसन्स डाइसेस की बीमारी। वैन डिड जैन ऑस्टन डाई, जैन ऑस्टन कब मरी, जैन ऑस्टन की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका आंसर है डी 1817। अगला है हु लर्न्स द एरर ऑफ मेकिंग हेस्टी जजमेंट एंड कम टू अप्रिशिएट द डिफरेंट बिटवीन द सुपरफिशियल एंड द एसेंशियल, 15 नंबर का है सी एलिजा बैथ। तो जल्दी जो किसी चीज़ को पहचान के जज करना, निर्णय लेना, एक किसने किया था, ये एलिजा बैथ ने किया था। ठीक है, अगला है 16 का मिस्टर बेनेट ऑफ द लॉन्गबर्न स्टेट हैच, जो लॉन्गबर्न के जो मिस्टर बेनेट थे उनके पास कितनी पुत्रियां थीं, 16 नंबर का है, तो इसका आंसर है उनके पास 5 डॉटर थीं, 5 डॉटर्स। अगला है 17 नंबर का वेयर डू द बेनेट लिव, बेनेट कहाँ रहते थे, तो इसका आंसर क्या है हर्टफोर्डशायर। ठीक है, हर्टफोर्डशायर। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द बेनेट स्टेट, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं द बेनेट फैमिली लिव इन द विलेज ऑफ, बेनेट फैमिली किस गांव में रहती थी, तो अपन बोलेंगे लॉन्गबर्न। अगला है लॉन्गबर्न में रहते थे 19 नंबर का विथ होम डज लीडिया गो टू ब्रिंगटन, लीडिया जो बेनेट वो उसकी बहन थी एलिजाबेथ की, वो ब्रिंगटन किसके साथ गई थी, तो इसका आंसर है मिसेज फोस्टर, मिस्टर मिसेज फोस्टर। ठीक है, 20वें नंबर का है हु इज द गवर्नेंस हु बैटरे जॉर्जियाना टार्सी, इसका आंसर है मिस यंग। अगला है मिसेज बेनेट्स रिएक्शन टू लीडियाज मैरिज इज बेस्ट डिस्क्राइब एच, तो इसका है आंसर अनरिजर्वली जुबिलियंट, मिसेज बेनेट जो लीडिया की माँ थी जिसको अपने आप में खुशी थी मगर उसने वो खुशी किसी को बयान नहीं की थी, तो मिसेज बेनेट्स रिएक्शन टू लीडियाज मैरिज द बेस्ट डिस्क्राइब क्या है अनरिजर्वली जुबिलियंट, जुबिलियंट ना उत्साह खुश होना। अगला 22 नंबर का है भाई डज मिस कॉलेंस मिस्टर कॉलेंस कम टू लॉन्गबर्न, मिस्टर कॉलेंस लॉन्गबर्न क्यों आए थे, 22वें नंबर का है, तो इसका आंसर है सी क्या है ही इज लुकिंग फॉर अ वाइफ, मिस्टर कॉलेंस थे वो एक वाइफ की तलाश में थे, वो एक शादी करना चाहते थे लड़की से थी और इसलिए वो लॉन्गबर्न आए थे। अगला है 23 नंबर का हु इज मिस कॉलेंस पैट्रोनस, मिस कॉलेंस मिस्टर कॉलेंस की पैट्रोनस कौन है, तो 23 नंबर का आंसर है सी लेडी कैथरीन। ठीक है, अगला है व्हाट इज मिस्टर गार्डिनर्स प्रोफेशन, मिस्टर गार्डिनर्स का प्रोफेशन क्या है, तो इसका आंसर है मिस्टर गार्डिनर्स कौन थे क्लर्जीमैन, क्लर्जीमैन क्या होता है पादरी, एक पादरी टाइप का होता है। व्हाट फीचर इनिशियली अट्रैक्ट डार्सी टू एलिजाबेथ, डार्सी को एलिजाबेथ का कौन सा फीचर्स अट्रैक्ट किया था सबसे पहले, तो कहीं कहीं तो हर आइज, डी नंबर। अगला है व्हाई डज नॉट बिंगलेज विजिट जैन व्हाइल शी इज इन लंडन, सॉरी तो ये अभी इतने ही कर पाएंगे क्योंकि 26 नंबर के ऑप्शन नहीं दिए हैं, वैसे इसका आंसर भी यही है ही डज नॉट नो दैट सी इज देयर। ठीक है, 16 नंबर का व्हाट डज द बिंगले विजिट जैन ऑस्टन व्हाइल शी इज इन लंडन ही डज नॉट नो दैट सी इज देयर,
तो ये आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस के 25-26 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ये मैं आपको कराऊंगा कम से कम 150-200 क्वेश्चन, जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी जनरल स्टेशन के फिक्शन के प्राइड एंड प्रेजुडिस की। उसके बाद अपन अगला लेसन ले लेंगे। तो आप सभी लोग जो नए हैं सब्सक्राइब करें और चैनल को और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।